अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल ज़ारा व्लॉग। फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों के लिए एक ऐसी रेसिपी लेके आई हूँ जो रमज़ान में हर घर में बनती ही बनती है। बच्चे हो या बड़े, सबको ये रेसिपी बहुत पसंद आती है। जी हाँ, मैं आज आप लोगों के साथ में शेयर कर रही हूँ चिकन कॉर्न चीज़ समोसा की रेसिपी, जो कि बहुत ही टेस्टी डिलीशियस बनती है। मैं आपको बताऊँगी बहुत ही आसान से तरीके में। चलिए देखते हैं कैसे बनती है ये रेसिपी। फ्रेंड्स, यहाँ पर सबसे पहले मैंने एक पैन में थोड़ा सा ऑयल डाल दिया है और इसमें मैं ऐड कर रही हूँ लगभग 2 टीस्पून जिंजर गार्लिक का पेस्ट। हमें इसे अच्छे से सॉटे करना है ताकि जो उसकी स्मेल है ना, वो निकल जाए। इसे अच्छे से सॉटे करने के बाद ना, हम इसमें ऐड करेंगे चिकन। अच्छा, ये जो चिकन है ना, इसे मैंने सबसे पहले बॉइल किया हुआ है, उसके बाद मैंने इसे इस तरह से श्रेडेड कर दिया था और अब मैंने इसे इसमें ऐड कर दिया है। इसे हमने थोड़ा सा भूनना है, लगभग 1 से 2 मिनट के लिए हमें इसे अच्छे से भूनना है। इसमें अच्छे से भूनने के बाद इसमें ऐड करेंगे प्याज। प्याज मैंने यहाँ पर लिया है लगभग 3 से 4 मैंने प्याज लिए हैं। इसे इस प्याज को हमने बस थोड़ा सा ट्रांसपेरेंट होने पकाना है। अब मैं इसे लिड लगा लेती हूँ तकरीबन 1 मिनट के लिए। 1 मिनट के बाद जब मैं इसे खोलती हूँ तो हमारा जो अनियन है वो ट्रांसपेरेंट हो चुका है, मतलब ये हल्का सा पक चुका है। हमें बस इसे इतना ही पकाना है। अब हम इसमें ऐड करेंगे कॉर्न। कॉर्न का फ्लेवर इसमें बहुत ही अच्छा आता है, बच्चों को बहुत ही ज्यादा पसंद आता है। इसे भी हमने इसमें हल्का सा सॉटे करके ले लेना है। अब हम इसमें ऐड करेंगे स्प्रिंग अनियन। मैंने ये छोटा बाउल मैंने स्प्रिंग अनियन लिया है। इसका भी इसमें बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है और इसका लुक भी बहुत अच्छा आता है, तो इसे भी थोड़ा सा हम मिक्स करके ले लेंगे। फ्रेंड्स, अब हम इसमें ऐड करेंगे धनिया जीरा की पाउडर, 2 टीस्पून मैंने इसमें ऐड कर दी है। और उसी के साथ हम इसमें नमक भी ऐड करेंगे। नमक आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ऐड करें। इसे अच्छे से मिक्स करेंगे। इसमें हल्दी और लाल मिर्च पाउडर बिल्कुल भी नहीं जाती है। इसमें जितने आप कम मसाले डालोगे ना, उतनी ही ये डिश बहुत ही अच्छी लगती है। इसे थोड़ा सा हमने मिक्स करके ले लेना है। अब इसमें मैं ऐड कर रही हूँ चिली फ्लेक्स। मैंने इसमें तकरीबन 1 टीस्पून चिली फ्लेक्स ऐड किए हैं। इसे एक बार मिक्स करके ले लेंगे और आखिर में इसमें डालेंगे थोड़ा सा हरा धनिया भी। और ऑलमोस्ट ये जो हमारा समोसे का मिक्सचर है ये अब रेडी हो चुका है। इसे हम गैस से उतार देंगे। अब यहाँ पर मैं एक पेस्ट बना रही हूँ। मैंने इसमें लिया है 2 टीस्पून मैदा और इसमें मैं थोड़ा सा पानी डाल दूंगी और इसकी एक स्मूथ पेस्ट बनाकर ले लूंगी। ये देखिए फ्रेंड्स, इस तरीके से हमने इसकी एक स्मूथ पेस्ट बना के ले लेनी है। समोसे के मिक्सचर को भी मैंने एक बाउल में निकाल लिया है। अब हम इसमें ऐड करेंगे थोड़ा सा हम इसमें हरा धनिया ऐड करेंगे और उसी के साथ हमने इसमें एक और मेन इंग्रेडिएंट भी ऐड करना है। जी हाँ, हम इसमें चीज ऐड करेंगे। तो मैंने यहाँ पर पूरा बाउल भर कर मैंने इसमें चीज जो है ना वो ऐड किया है, क्योंकि इससे बहुत ही अच्छा एक फ्लेवर समोसे में आता है। इसे हमने अच्छे से मिक्स करना है। यहाँ पर अब मैंने ली है समोसा पट्टी। इसे अरेंज करेंगे इस तरीके से और इसमें जो मिक्सचर है उसे अच्छे से हमें फिल करना है। बिल्कुल भी कंजूसी नहीं करनी है। जितना अच्छा उसमें मिक्सचर होगा समोसा आपका, उतना ही टेस्टी बनेगा। तो इस तरीके से मैं फोल्ड कर ले रही हूँ। रमज़ान में ऐसी डिशेस का ना काफ़ी फ़ायदा होता है कि आप इसे ना फ्रीज करके रख सकते हो और जब भी आपका मन चाहे आप इसे निकाल कर बस फ्राई कर लो और ये रेडी है। और चूंकि जो है ना रमज़ान में काफ़ी कम वक्त मिलता है इबादत के लिए, और तो उस टाइम पे ना ऐसी डिशेस बहुत ही काम आती है।
फ्रेंड्स, इस तरीके से मैंने ये कुछ समोसे जो है वो रेडी कर दिए हैं। चलो अभी से हम जल्दी से फ्राई भी कर लेते हैं। ऑयल जो है वो अच्छा खासा गर्म हो चुका है, इसमें हमने ये जो है समोसे ऐड करने हैं। पूरे ब्राउन नहीं करने हैं समोसे को, हल्का सा इसमें ब्राउन कलर आ जाए ना तो बस करना है। इसे ओवर कुक बिल्कुल भी ना करें प्लीज। ये देखिए फ्रेंड्स, बस हमें इतने ही इसे ब्राउन करने हैं और ये हमारे समोसे जो है वो रेडी है। इसी तरीके से हम बाकी के भी सारे समोसे फ्राई करके ले लेंगे। हमारे जो ये समोसे है बिल्कुल बनकर रेडी है। आप इसे मेयोनीज, टोमेटो सॉस या हरी चटनी के साथ में खा सकते हो, बहुत ही टेस्टी लगते हैं। स्पेशली बच्चों को ना ये बहुत ज़्यादा पसंद आते हैं क्योंकि इसमें चीज़ भी होता है, कॉर्न भी होता है और ये टेस्टी भी बहुत होते हैं। तो आप ये रेसिपी को ज़रूर फॉलो करें और जब आप ये ट्राई करोगे तो मुझे कॉमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कि आपको ये मेरी रेसिपी कैसी लगी। फ्रेंड्स, आपको मेरी ये चिकन चीज कॉर्न समोसा की रेसिपी जरूर पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो प्लीज लाइक डन करें। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। रमजान का महीना है, मुझे दुआओं में जरूर याद रखें। फ्रेंड्स, बहुत सारी इबादत करें, अच्छी अच्छी डिशेस बनाकर अपनी फैमिली के साथ रमजान को एंजॉय करें। चलिए फ्रेंड्स, मिलती हूँ मेरे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए।